लगता है वादी से कम, अन्य स्वरों से अधिक, उसको संवाद भी कहते हैं, वो है इसमें सरज। इस प्रकार से इसमें म और सा का जो सरज मध्यम भाव का प्राबल्य है। इस राग को गाते समय हम लोग जो तानपुरा बजाते हैं उसमें प्रथम स्वर जो है वो म लगा के फिर म सा 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 ऐसे गाते हैं, तो मध्यम का प्राबल्य होने से ये राग अच्छा निकलता है। आपको अनुवादी के बारे में बताऊंगी। इन दोनों के बाद जो स्वर लग रहा है वो है धैवत। धैवत स्वर भी न्यास स्वर भी है और उसका भी बहुत प्रयोग हो रहा है, इसलिए उसको अनुवादी संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो मैं आपको गायन के समय भी थोड़ा आलापचारी के समय बताऊंगी। इस प्रकार मवादी, सरस संवादी और धैवत अनुवादी, और साथ ही ये तीनों ही स्वर सा म और ध न्यास स्वर। न्यास उसको कहते हैं जहाँ पे ठहराव होता है, जहाँ पे पॉज होता है, जिसको विश्रांति स्थल कहते हैं, जहाँ पे अपन आलाप करते समय रुकते हैं, विश्राम करते हैं, तो वो स्वर है ये तीनों न्यास स्वर। राग वागीश्री में तीनों ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मंद्र, मध्य और तार। गायक लोग अति तार का भी प्रयोग कर सकते हैं जिनकी रेंज अच्छी हो। इस राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, गीत, भजन, गजल इत्यादि सभी गाए जाते हैं। बहुत लोकप्रिय, पॉपुलर और मेलोडियस मधुर राग ध्वनि स्वर है ये। और वागीश्री राग में अगर ग कोमल के स्थान पर ग सुर कर दिया जाए तो वह राग रागेश्री बन जाता है। यह बागेश्री, वो रागेश्री। बागेश्री राग का जो पास का राग है वह है भीमपलासी। भीमपलासी में भी ग और नी दोनों ही कॉमन लगते हैं, उसमें पंचम वाद्य है और सरस संवाद्य है। तो इस प्रकार राग वागीश्री का सम प्रकृतिक राग भीमपलासी भी है। राग वागीश्री को गायन का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना गया है। इस समय वेला में जब राग गाई जाए तो ज्यादा खिलती है, ऐसा मान्यता है। अब मैं सबसे पहले आपके समक्ष राग बागेश्री को एमए के स्टैंडर्ड ब्रीवियस को देखते हुए स्वर आलाप करूंगी। आकार में उसमें तीन तरह की बंदिशें प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले छोटा ख्याल गाऊंगी, फिर तराना, और लास्ट में एक और ध्रुव ख्याल जो ध्रुव एक ताल में होगा 12 मात्रा में। इससे क्या है, आपको सब तरह की सुविधा समझने की और सीखने की मिल जाएगी। इसमें मैं सबसे पहले मैं ध्रुव ख्याल गाने जा रही हूँ, उसमें मध्य लय त्रितार में वो बंदिश निबद्ध है और उसका मुखड़ा है वो खाली से शुरू हो रहा है, अंतरा भी खाली से ही शुरू हो रहा है। उसके पश्चात में ताने, आला, वेरिएशंस, सरगम इत्यादि सभी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। सबसे पहले मैं आपको स्वर विस्तार करके बताती हूँ कि इस राग में कौन कौन से और कैसे स्वर लगते हैं। तो प्रस्तुत है राग बागेश्री।
Mm-hmm.